हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर इजी टेक चैनल, जहां पर आपको मिलेगा पूरा सलूशन आपके प्रॉब्लम का। आज की वीडियो में हम आपको दो ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आप लोग फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो अपने आईफोन को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो तरीका हमारे पास, आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को आकर जनरल का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपल आप लोगों को जनरल के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और आप लोगों को सबसे नीचे आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सेकंड ऑप्शन मिला होगा, सेकंड लास्ट ऑप्शन, ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन। सिंपल आप लोगों को इसके ऊपर टैप करना है एंड देन इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग के ऊपर। जैसे आप लोग टैप करोगे, आपका आईफोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि आप लोग किसी और मोबाइल फ़ोन के अंदर आईफोन के या फिर आप लोग लैपटॉप पीसीस के अंदर अपना आईक्लाउड लॉगिन करें, और आईक्लाउड लॉगिन करने के बाद वहां पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा आपके आईफोन का, जो भी आप लोगों का आईफोन का मॉडल होगा। सिंपल आप लोगों को इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर रीसेट करने का ऑप्शन शो हो रहा होगा। सिंपल आपको उसके ऊपर टैप कर देना है और आप लोगों का आईफोन रीसेट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। Please do subscribe my channel for more videos. Thank you.